हे गाइस, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कुर्ती, कुर्ता सेट। इन सबको मैंने बाय किया है मीशो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है ये कुर्ता सेट, जो कि ये है वेलवेट में। पहले दिखाती हूँ ये कुर्ता, ये वेलवेट में ये कुर्ता है। ये इस पे सिरोस की वर्क किया हुआ है। ये नेक है, यू शेप में नेक है, और इसमें साइज मैंने एक्सल लिया है। नेक पे ऐसे ऐसे सिरोस की वर्क किया हुआ है। देखो पास से सारे में सिरोस की वर्क है। नीचे तक साइडों में भी किया हुआ है ऐसे, नीचे भी बॉर्डर शेप में। और 3/4 स्लीव्स हैं, ये प्लेन है, और बैक से भी प्लेन है एकदम, बैक से भी प्लेन है। आगे सिरोस की वर्क है। वेलवेट का कपड़ा है, अच्छा है पहनने के बाद, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है वेलवेट। नॉर्मल ठंड के लिए एकदम परफेक्ट है ये कुर्ता है। ये इसके ऊपर प्लाजो है, ट्राउजर पैंट। इसमें दोनों साइड इलास्टिक है, और इसमें भी आगे की साइड तो नीचे सिरोस की वर्क किया हुआ है। देखो दोनों साइड सिरोस की वर्क से किया हुआ है। नीचे ये बॉर्डर है, और ऊपर ये ऐसे है। ऊपर से बिल्कुल प्लेन, पीछे से भी बिल्कुल प्लेन। फिटिंग एकदम परफेक्ट है, नहीं लूज है नहीं टाइट है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। प्लाजो की भी पैंट है ये, ट्राउजर टाइप। और ये है इसके साथ दुपट्टा, स्टोल टाइप है ये, बिल्कुल प्लेन है। और ये पतली पतली सी लेस लगी हुई है चारों तरफ, स्टोल टाइप है। लेंथ एकदम परफेक्ट है ऐसे। वेलवेट का अच्छा कपड़ा है, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं मीशो से। अगला है कुर्ता सेट, ये वाला। ये है कॉटन में, इसका मटेरियल है कॉटन। ये प्रिंट में है, प्योर कॉटन है। बहुत ही अच्छा कपड़ा है। इसका नेक है थोड़ा नीचे, ये वी शेप में है ऐसा है। ये यहाँ पे पोटली बटन बने हुए हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, और सारे में ये प्रिंट है। 3/4 स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स डिजाइन की है। देखो ऐसे ये टसल्स लगी हुई है स्लीव्स में, और आगे से ये खुली है ऊपर की साइड से, ऐसे ही खुली है। यहाँ पे ये डोरी है, दो ये यहाँ पे बंदीज है, ऐसे बांधनी पड़ेगी। तो नीचे की साइड ये टसल्स है ऐसे दोनों स्लीव्स पे, बाकी प्लेन प्रिंट का है। बैक से भी प्लेन प्रिंट और आगे भी प्रिंट है, बिल्कुल सिंपल है। कॉटन का है, एकदम सॉफ्ट कॉटन, प्योर कॉटन है बिल्कुल। कपड़ा बहुत अच्छा है, आप चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं। इसके साथ है पैंट, ये भी प्योर कॉटन की है। इसमें भी आगे बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है। ये बिल्कुल प्लेन है, देखो बिल्कुल प्लेन है, और इसमें ये साइड में कट दिया हुआ है दोनों साइड। इसमें भी देखो ये कट दिया हुआ है, बिल्कुल प्लेन है। पहनने के बाद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, नहीं टाइट है नहीं लूज है, एकदम परफेक्ट फिटिंग है पैंट की। और समर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन है। ये था कुर्ता सेट, ये भी बहुत सुंदर है, आप चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं मीशो से। अगला है कुर्ता, ये है इंदु एरा कंपनी का कपड़ा है, पॉलिस्टर, बिल्कुल ही सॉफ्ट कपड़ा इसका, बिल्कुल ही पतला सॉफ्ट, किसी भी मौसम में आप पहन सकते हो इसे, बिल्कुल ही सॉफ्ट एकदम शाइनिंग सा कपड़ा है। इसका कलर वगैरह भी नहीं जाता, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। और ये आगे इसमें ये बॉर्डर लगा हुआ है अलग से,
यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे एलिफेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे एलिफेंट शेप हैं। ये जरी का बॉर्डर लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। 3/4 स्लीव्स हैं इसमें भी, यहाँ पे पतली पतली सी लेस लगी हुई बारीक सी दोनों स्लीव्स पे, बाकी एकदम प्लेन, आगे भी पीछे भी बिल्कुल प्लेन। पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये। इसको चाहे आप पैंट के साथ, लेगी के साथ, प्लाजो के साथ, जिससे भी आपको मन करे उसके साथ वियर कर सकते हो। सबके साथ ही बहुत सुंदर लगता है ये। आप चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं, इसमें मेरा साइज एक्सेल है, आप अपने हिसाब से अपना साइज बाय कर सकते हैं। लास्ट है ये, मैंने कफ्तान लिया है, ये रियोन मटेरियल है, एल साइज लिया है मैंने इसमें, ये कफ्तान है, ये कफ्तान है। इसमें ये आगे डोरी है, ये लूप पीस लगी हुई है, यहाँ से हिसाब से फिटिंग कर सकते हैं, टाइट लूज वगैरह जो भी। यहाँ से साइडों में ये पतला पतला बॉर्डर लगा हुआ है, बिल्कुल ये लेस है, देखो साइडों में भी और नीचे की साइड भी और इस साइड भी, ये पोम पोम वाली जो लेस आती है ना, वो वाली लगी हुई है। देखो ये कफ्तान है, इसमें मैंने एल साइज लिया है, रियोन इसका कपड़ा है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद भी। इस लेगी या पैंट किसी के साथ भी आप वेयर कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट है। गर्मी, अब गर्मियों में, समर में बहुत अच्छे लगते हैं ये पहनने के बाद। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।